माई डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, टूडे इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो, वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ कोरिलेशन एज वेल एज कोरिलेशन कोफिशियंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सहसंबंध या कोरिलेशन क्या होता है उसका अर्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ उसकी परिभाषा के बारे में भी अध्ययन करेंगे और उसी के साथ साथ कोरिलेशन कोफिशियंट क्या होता है, सहसंबंध गुणांक किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको आपका वीडियो के संबंध में कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके जो है आप हम अपना सुझाव व्यक्त कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस को भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, आपके सुझाव या आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी विद्यार्थियों में से, आप सभी दोस्तों में से अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल जाएँ, जिससे कि आपको अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई रुकावट ना आए और आप हमारे वीडियो को निरंतर और समय से प्राप्त कर सकें, समय से देख सकें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा नाम से ही क्लियर है, सहसंबंध, तो सहसंबंध का अर्थ होता है पारस्परिक संबंध या म्यूचुअल रिलेशनशिप। आपस में किसी दो वस्तु के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो चर के बीच में, दो विषय के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, पारस्परिक संबंध होता है, उसी को हम लोग सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों, घटनाओं, वस्तुओं आदि के आपसी संबंधों का अध्ययन है। प्रिय विद्यार्थियों, जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन या सहसंबंध होता है, ये जो है दो या दो से अधिक चरों के बीच का आपस का पारस्परिक संबंध है। इसमें दो या दो से अधिक चर या वेरिएबल, कोई घटना, कोई इवेंट्स, कोई वस्तु, इन सभी के बीच में जो आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है, जो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, या दोनों के बीच में या दो से अधिक चरों के बीच में जो आपस में संबंध होगा, पारस्परिक संबंध होता है, इसी को हम लोग सहसंबंध या कोरिलेशन कहते हैं। अगर हम लोग एक डिफिनीशन देख लें, अकॉर्डिंग टू लैथरोप रिचर्ड जी या लैथरोप के अनुसार, कोरिलेशन इंडिकेट्स अ ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सहसंबंध दो चरों के बीच पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को इंगित करता है। डियर फ्रेंड्स, जो लैथरोप जी की परिभाषा है उसके अनुसार, कोरिलेशन इंडिकेट्स अ ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इनके अनुसार जो सहसंबंध होता है वो किन्हीं दो चरों के बीच का आपस का संयुक्त सहसंबंध होता है, अर्थात सहसंबंध जो है किसी भी दो चरों के बीच में जो आपस में संबंध होता है उसी को बताता है, उसी को व्यक्त करता है। तो जो सहसंबंध या कोरिलेशन होते हैं, दैट इंडिकेट्स अ ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों के बीच के संबंध को इंगित करने का कार्य सहसंबंध या कोरिलेशन करता है। अगर हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन देखें, फर्ग्यूसन जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन जी, कोरिलेशन इज कंसर्न्ड विथ डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, अर्थात सहसंबंध का संबंध चरों के बीच संबंध की सीमा या मात्रा से है। प्रिय विद्यार्थियों, फर्ग्यूसन जी की जो परिभाषा है इसके अनुसार, जो सहसंबंध होता है
कोरिलेशन होता है, यह बताता है कि जो चर हैं वे चर आपस में किस मात्रा में, कितनी मात्रा में, किस सीमा में एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अर्थात सहसंबंध जो है दो चरों के बीच की आपस में संबंध की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, जो सीमा होती है, डिग्री ऑफ रिलेशन जो होता है उसको व्यक्त करता है। अगला डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डाउनी एंड हेथ, डाउनी तथा हेथ के अनुसार जो सहसंबंध है वह मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का मान है। दोस्तों इस परिभाषा में भी देखिए कह रहे हैं कि जो सहसंबंध या कोरिलेशन वो क्या है, दो चरों के बीच के, दो वेरिएबल्स के बीच के जो मान होते हैं संबंध का उसी को हम लोग कहते हैं सहसंबंध। अर्थात सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का मान या वैल्यू होता है। इट इज़ अ वैल्यू बिटवीन द टू वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। चलो दोस्तों अगला देखें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन में बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अतः प्रिय विद्यार्थियों जो सहसंबंध होता है इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह दो चरों के बीच का आपस का सहसंबंध होता है या एक दूसरे के ऊपर जो अंतर निर्भरता होती है, इंटरडिपेंडेंस होता है, इसके रूप में भी हम सहसंबंध को कह सकते हैं। अर्थात जो सहसंबंध या कोरिलेशन है इससे अभिप्राय दो चरों के बीच के संबंध से होता है। कोरिलेशन में बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। प्रिय विद्यार्थियों इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है गणित विषय के प्राप्तांक तथा विज्ञान विषय के प्राप्तांक। प्रिय विद्यार्थियों यदि गणित विषय का प्राप्तांक बढ़ता है और विज्ञान विषय का भी प्राप्तांक बढ़ता है, यदि एक छात्र है और वह जो गणित विषय में नंबर पा रहा है, यदि एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में और दूसरे टेस्ट से तीसरे टेस्ट में उसके गणित विषय के प्राप्तांक बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ विज्ञान विषय के भी प्राप्तांक बढ़ रहे हैं, तो वहाँ हम कहेंगे कि दोनों विषय जो है, दोनों विषय के प्राप्तांकों के बीच में आपस में सहसंबंध है। और इसी तरह दोस्तों यदि मान लीजिए गणित विषय का प्राप्तांक एक टेस्ट से दूसरे और दूसरे टेस्ट से तीसरे टेस्ट में बढ़ता है और उसी के साथ साथ विज्ञान विषय का जो प्राप्तांक है पहले टेस्ट में अधिक था, फिर दूसरे में कम और तीसरे में और उससे भी कम होता जाता है, तो यहाँ भी एक प्रकार का संबंध है। भले से निगेटिव से संबंध है लेकिन यह भी एक प्रकार का संबंध इंडिकेट कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब गणित विषय और गणित विषय के प्राप्तांक तथा विज्ञान विषय के प्राप्तांक में किसी प्रकार का संबंध दिखाई दे रहा है कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है या एक के घटने पर दूसरा घट रहा है, तो यह एक सहसंबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, छात्रों के शैक्षिक उपलब्ध एवं बुद्धिलब्ध में संबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों जो छात्रों का एजुकेशनल अचीवमेंट होता है और जो उनकी आईक्यू या बुद्धिलब्ध होती है, तो हम सामान्यतः यह देखते हैं कि यदि छात्रों की आईक्यू बुद्धिलब्धि अधिक है तो उनका, यदि बुद्धिलब्धि अधिक है तो उनका जो शैक्षिक उपलब्धि भी होता है वो बढ़ता है। अर्थात जो बुद्धिलब्धि के साथ साथ शैक्षिक उपलब्धि भी बढ़ते हैं, जब बुद्धिलब्धि के साथ साथ शैक्षिक उपलब्धि भी बढ़ रहा हो तो यहाँ भी यह इंडिकेट कर रहा है कि बुद्धिलब्धि तथा शैक्षिक उपलब्ध आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से म्यूचुअली इंटर रिलेटेड है। और जब इस प्रकार का कोई संबंध होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस छात्रों की उम्र या आय तथा ऊंचाई में सहसंबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों सामान्यतः देखा जाता है कि जो छात्रों की उम्र है, आय जब बढ़ती है तो उसी के साथ साथ जो छात्रों की हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो भी बढ़ती जाती है। अर्थात उम्र के साथ, आयु के साथ छात्रों की हाइट या ऊंचाई भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ उम्र में और ऊंचाई में, हाइट में, छात्रों की ऊंचाई या व्यक्ति की ऊंचाई, बालक की ऊंचाई में और बालक की उम्र में एक प्रकार का सहसंबंध है या संबंध है। तो दोस्तों यह उदाहरण रहे, इस उदाहरण से, इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि जो सहसंबंध होता है वह किन्हीं दो चरों के बीच का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप या इंटरडिपेंडेंस होता है, या दूसरी भाषा में कहें तो सहसंबंध जो है, कोरिलेशन जो है, दो चरों के बीच का आपस का संबंध होता है।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि कोरिलेशन कोफिशियंट या सहसंबंध गुणांक क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम लोग एक डिफिनीशन देखें तो अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड जी के अनुसार, सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहां तक संबंधित हैं तथा कहां तक एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गिलफर्ड जी की परिभाषा के अनुसार जो कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक है वह एक अंक होता है जो यह बताता है कि दो वस्तुएं या दो चर जो हैं कहां तक एक दूसरे से संबंधित हैं, या फिर हम कहें कि जब एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा और किस मात्रा में परिवर्तन होगा, इसको दिखाने के लिए जिस हम अंक का प्रयोग करते हैं वह अंक क्या होता है, उस अंक को हम लोग सहसंबंध गुणांक कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, गिलफर्ड जी की परिभाषा के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं आपस में कहां तक संबंधित हैं तथा कहां तक एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स और ऑफ टेस्ट स्कोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली बाय द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां कहा जा रहा है कि दो चरों के बीच में या दो सेट्स के बीच में या दो टेस्ट स्कोर्स जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको हम एक गणितीय मैथमेटिकली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो ये मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन होता है यही होता है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। अर्थात दो चरों के बीच में, दो घटनाओं या दो वस्तुओं के बीच में, दो प्रक्रियाओं के बीच में जो आपस में रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उसको गणितीय भाषा में व्यक्त करने के लिए जो जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं या जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। अर्थात द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ टेस्ट स्कोर्स कैन बी डिस्क्राइब मैथमेटिकली बाय द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। अर्थात जो सहसंबंध होता है दो चरों के बीच में, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों, दो प्रक्रियाओं के बीच में, उसको हम उसका वर्णन करने के लिए, उसका जो गणितीय वर्णन हम लोग करते हैं या गणितीय रूप में जब हम उसे व्यक्त करते हैं या अंकों के रूप में हम जब उसे व्यक्त करते हैं, तो जिस अंक के द्वारा या जिस गणितीय संकेत से हम उसे व्यक्त करते हैं उसको हम लोग कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध गुणांक कहते हैं। दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब जब हम सहसंबंध की मात्रा को उस किसी अंक के द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे हम लोग सहसंबंध गुणांक कहते हैं, तो इसी सहसंबंध गुणांक के द्वारा हम दोनों दो चरों के बीच की सहसंबंध को भी ज्ञात कर लेते हैं कि दोनों के बीच जो सहसंबंध कैसा है। अर्थात सहसंबंध गुणांक के द्वारा जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है, इसके मान से हमको जो है दो चरों के बीच की सहसंबंध का मान पता चल जाता है या मात्रा पता चल जाता है कि दोनों चरों के बीच में जो सहसंबंध है वो अधिक है, कम है कि नहीं है। अर्थात जो सहसंबंध गुणांक का मान है यह हमको बताता है कि दो चर आपस में किस मात्रा में, कितनी मात्रा में एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड हैं। A coefficient of correlation is a single number indicating the going togetherness of two variables. तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह क्या बताता है, going togetherness of two variables। अर्थात coefficient of correlation जो होता है, सहसंबंध गुणांक जो होता है, वह एक नंबर है, एक अंक है, एक संख्या है जो इंडिकेट करता है कि जो दो चर हैं वो आपस में कहाँ तक या किस मात्रा तक एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसको व्यक्त करने के लिए जिस नंबर का प्रयोग होता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं सहसंबंध गुणांक या कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशनशिप। सहसंबंध गुणांक का मान बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे चर के मान पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जो सहसंबंध गुणांक या कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है, इसका मान, इसकी वैल्यू हमको यह भी बताती है कि एक चर के मान में जो परिवर्तन किया जाता है तो इसका प्रभाव दूसरे चर के मान पर किस प्रकार
पड़ रहा है। अर्थात इसका जो मान होता है यह बताता है कि जब हम एक चर के मान को बढ़ाते हैं तो दूसरा जो चर है उसका मान बढ़ रहा है एक के बढ़ाने पर साथ साथ में, या फिर एक चर के मान को बढ़ाने पर दूसरे चर का मान घट रहा है यह भी बताता है, या जो सहसंबंध गुणांक है यह भी बताता है कि एक चर के मान के बढ़ाने पर दूसरे चर के मान पे कोई अंतर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है तो सकारात्मक पड़ रहा है या नकारात्मक पड़ रहा है, अर्थात एक चर के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है या एक चर के घटाने पर दूसरा घट रहा है या एक के बढ़ाने पर दूसरा घट रहा है, ये सब जो है जो कुछ भी है इसका पता हमको जो है सहसंबंध गुणांक के मान से चल जाता है। तो दोस्तों जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है यह बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे चर के मान में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सहसंबंध गुणांक वह अनुपात है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा व प्रकृति को अभिव्यक्त करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो सहसंबंध गुणांक है वह एक अनुपात होता है, रेशियो होता है, फ्रैक्शन होता है जो दो चरों के बीच के सहसंबंध की सीमा और उसकी प्रकृति नेचर को अभिव्यक्त करता है। यह जो रिलेशनशिप होता है, जो रेशियो होता है, जो फ्रैक्शन में मान आता है या डेसिमल में इसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं, तो यह जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है यह बताता है कि दो चरों के बीच जो सहसंबंध है वो किस सीमा तक है, उसका लिमिट क्या है या उसका एक्सटेंड क्या है, वो किस सीमा तक है, अर्थात वो प्लस में है माइनस में है, उसकी नेचर को भी यह बताता है कि सकारात्मक सहसंबंध है या नकारात्मक सहसंबंध है या किसी भी प्रकार का सहसंबंध नहीं है। यह सब कुछ जो है सहसंबंध गुणांक के मान के द्वारा हमको पता चल जाता है। Coefficient of correlation is expressed by a decimal fraction called R, which may vary along a scale from 0.00 to plus minus 1.00. तो प्रिय विद्यार्थियों जो सहसंबंध गुणांक है यह एक आनुपातिक संख्या है होती है जिसका मान -1 से लेकर +1 के बीच हो सकता है, जिसका मान -1 से लेकर के +1 तक हो सकता है। या कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन कॉल्ड आर। तो प्रिय विद्यार्थियों जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध गुणांक होता है इसको हम लोग आर के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका जो मान होता है वह 0.00 से लेकर के +-1 तक होता है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों जो आर का मान होता है वह -1 से लेकर के 0 हो सकता है और +1 भी हो सकता है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों यदि हम यह कहें कि जो R का मान होता है यदि इस तरह से आप एक लाइन बना लीजिए और यहाँ पे बीच में 0 हो, इधर -1 हो और इधर +1 हो, तो इस रेखा पे कह रहा है कि R का मान -1 से लेकर के +1 तक, -1 से लेकर के +1 तक R का मान हो सकता है। अर्थात जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है वह एक डेसिमल फ्रैक्शन है, आनुपातिक संख्या है और जिसका जो मान होता है वह -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, और -1 0 के बीच की भी कोई संख्या हो सकती है और 0 और +1 के बीच की भी कोई संख्या हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें लग रहा है कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है वह -1 से लेकर के +1 के बीच का हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है या इन सभी मानों के बीच का भी मान हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों जो सहसंबंध गुणांक है उस सहसंबंध गुणांक एक गणितीय चिन्ह है जो सहसंबंध की दिशा को बताता है। प्रिय विद्यार्थियों जो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सहसंबंध गुणांक का मान था वह -1 भी हो सकता है, 0 और +1 भी हो सकता है, तो इसमें जो गणितीय चिन्ह है माइनस या प्लस यह जो है सहसंबंध की दिशा को व्यक्त करता है कि जो सहसंबंध या को रिलेशनशिप है वो किस दिशा में है। जो धन का चिन्ह होता है, जो प्लस चिन्ह होता है, यह व्यक्त करता है कि जो प्लस चिन्ह होता है प्रिय विद्यार्थियों यह व्यक्त करता है कि एक चर के घटने या बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी उसी दिशा में परिवर्तित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो प्लस सिंबल है या धन का सिंबल है यह बता रहा है कि एक चर के घटने पर या बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी उसी दिशा में परिवर्तित होता है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों यदि मान लीजिए कि यक्स एक चर है और वाई दूसरा चर है, तो कह रहा है कि जो यक्स का मान यदि बढ़ेगा
तो y का भी मान बढ़ेगा। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि x का मान घटेगा तो y का भी मान घटेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो ये क्या है, ये कह रहा है कि प्लस या पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, धनात्मक सहसंबंध है। यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, धन का संकेत है। यदि कोफिशियंट कोरिलेशनशिप में धन का संकेत होता है तो यह बताता है कि एक चर के मान के बढ़ने पर दूसरे चर का भी मान बढ़ रहा है, या एक चर के मान के घटने पर दूसरे चर का भी मान घटता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब स्पष्ट हो गया कि जो सहसंबंध गुणांक का गणितीय चिन्ह सहसंबंध की दिशा को बताता है। धन चिन्ह बताता है कि एक चर के घटने या बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी उसी दिशा में परिवर्तित होता है, अर्थात घटने पर घटता है और बढ़ने पर बढ़ता है। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, जो ऋण चिन्ह होता है यह परिवर्तन की विपरीत दिशा को व्यक्त करता है, अर्थात एक चर के घटने पर दूसरा बढ़ता है और एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जो माइनस का सिंबल है, जो ऋण चिन्ह है, यह हमेशा परिवर्तन की विपरीत दिशा को बताता है। विपरीत दिशा से अभिप्राय है प्रिय विद्यार्थियों कि यदि मान लीजिए यक्स और वाई दो चर हैं, तो यक्स का जब मान बढ़ेगा तो वाई का मान घटेगा, और इसी तरह जब यक्स का मान घटेगा तो वाई का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो ऋण चिन्ह है यह बता रहा है कि परिवर्तन जो है विपरीत दिशा में हो रहा है, अर्थात यदि x का मान बढ़ रहा है तो y का मान घट रहा है, और यदि x चर का मान घट रहा है तो y चर का या y वेरिएबल का मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वह परिवर्तन की विपरीत दिशा को व्यक्त करता है, अर्थात एक चर के घटने पर दूसरे चर का मान बढ़ता है, या इसका वाइस वर्सा, दैट इज एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि जो सहसंबंध गुणांक होता है, इसका जो गणितीय चिन्ह होता है वह सहसंबंध की दिशा को व्यक्त करता है, जो कि प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। प्लस से अभिप्राय है कि एक के घटने पर दूसरा भी घटेगा और एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा, जबकि माइनस जो ऋण चिन्ह होता है यह बताता है कि जब एक चर का मान, एक वेरिएबल का मान बढ़ेगा तो दूसरे वेरिएबल का मान घटेगा, या इसके विपरीत एक वेरिएबल का मान घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा। और प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज और अभी स्पष्ट हुआ कि जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है वह माइनस एक से लेकर के प्लस वन के बीच कोई भी मान हो सकता है, वो माइनस वन भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इसके बीच के भी मान हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि कोरिलेशन या सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या क्या हो सकती है, उसको हम लोगों ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया। फिर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशियंट, उसकी परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन किसे कहते हैं। फिर उसको हम लोगों ने देखा कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, और उसका जो मान होता है सहसंबंध गुणांक का मान, वह माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस वन भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जो सहसंबंध गुणांक का जो मान है उसमें जो सिंबल है, गणितीय जो सिंबल होता है, मैथमेटिकल सिंबल जो होते हैं, प्लस या माइनस के साइन, वह भी इंडिकेट करते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो उसका नेचर क्या है, अर्थात जो प्लस सिंबल होता है वो दिखाता है कि एक चर के मान के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ेगा, अर्थात पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है, जबकि जो दूसरा माइनस सिंबल होता है वो नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है, नकारात्मक सहसंबंध दिखाता है, जिसका अभिप्राय होता है कि एक चर के मान के बढ़ने पे दूसरा घटेगा और दूसरे घटने पर पहला बढ़ेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थी, यदि आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, आप अपने सुझाव को भी लिखिए, आप अपने प्रश्न को भी लिखिए, आपकी कोई समस्या है, कोई संदेह है, तो उसको भी आप कमेंट करके हमको बताइए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपके सुझाव पर भी हम उचित निर्णय लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।